हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या है। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट कंस्टेंटली अराउंड द बॉडी अलाउइंग कंस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ जो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पूरी सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने की वजह से ये हमारी टिश्यूज और ऑर्गन के साथ कनेक्शन में रहता है, इसीलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और एक बात और बता दूं कि ब्लड जो हमारी बॉडी में, दो प्रकार के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट है ब्लड एंड सेकेंड है लिम्फ। दो ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, और जो कि आज हम लोग ब्लड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हमेशा करता रहता है। ब्लड सारे टिश्यूज के साथ कम्युनिकेशन में रहता है, और इसका मेन फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सबस्टांसेस, क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है, जिसकी वजह से बॉडी जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। और नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को समझ लेते हैं यहाँ पे। जो भी हम फूड को खाते हैं उनमें से जो भी हमको न्यूट्रिएंट के रूप में एनर्जी मिलता है वो डायरेक्ट ब्लड में ही जाता है। किसके थ्रू? इंटेस्टाइन के थ्रू, डायरेक्ट ब्लड में ही डिसॉल्व हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट ऑर्गन तक। एंड नेक्स्ट है हीट। हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, और हीट मेनली डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है, जिससे हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरी समान रूप से वितरित हो जाती है हमारी बॉडी में। एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सबस्टांसेस। प्रोटेक्टिव सबस्टांसेस वो सबस्टांसेस होती हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। और जैसे कि WBC हमारी ब्लड में ही पाया जाता है, एंटीबॉडी होती हैं, और ब्लड में ही मिलके वो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। एंड नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होती है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, कैल्शियम होता है, और सारे बहुत सारे फैक्टर, 13 टोटल फैक्टर पाए जाते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर का कार्य क्या है, जहाँ भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पे क्लॉट कर देती है, जिससे कि वो ब्लीडिंग जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। सो ये टोटल ऑल अबाउट ब्लड रहा और ब्लड का फंक्शन।